जय बोले सभी भाइयों। और आज मैं निकल चुका हूँ हरिद्वार जाने के लिए बाइक से। ये अपने सौरभ भाई, मैं अभी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैंने अभी ये वीडियो इसलिए बनाई कि मेरे को बाद में भोले भोले करके बोलना पड़ेगा भाई को, तो मैं नाम बता दे रहा हूँ। आगे कुछ अपने लड़के मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे अपने, साथ में चलेंगे। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, पीछे खाना बंधा हुआ है। तो हरिद्वार का माहौल दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है। तो चलो आप मेरे साथ चलो और मेरी नज़रों से देखना, नज़रों से मतलब इस तरीके से कि फीलिंग करना जिस तरीके से मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं हकीकतें दिखाऊंगा एकदम। तो चलो जैसा होगा सब आपको दिखाएंगे। तो बस अपने कुछ दोस्तों को बुला लें, एक तो आसपास के उनको बुला के फिर चलते हैं। तो भाई फूलों की बहुत सारी भीड़ लग रही है, और ये पीछे देख सकते हो सब चश्मे वगैरह खरीद रहे हैं। बाकी अपना जाना है, देखो पीछे पीछे भोले भोले जा रहे हैं सारे। और अभी कुछ लोग चश्मा खरीदे जैसे मैंने लिया है, रात में कोई मच्छर मक्खी आँख में ना घुसे और दिख सब कुछ रहा एकदम। बाकी एक काला चश्मा कल वहाँ पहुँचने के बाद, काला चश्मा जब लगाएंगे जब वहाँ पहुँच जाएंगे बिल्कुल। और गाड़ी ये भी अपनी स्टे किया है, थोड़ा सा चलाते चलाते दुख रही है। तो जय बोलेगी, जय बोलेगी। ये बोला हमारा आज पहली बार जा रहा है, तो आपको ये कुछ भी चीज़ चाहिए। भाई रात का ऐसा मजा कहीं ले सकते हैं। और ये भोलों की भीड़ देखो कितने भोले हैं, ये लोगों भोले अपने भोले ढूंढने पड़ रहे हैं, भोले पता नहीं कहाँ है अपने। बाकी ये भीड़ देखो आप एकदम चकाचक भीड़ है, ऐसी रात का भीड़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस समय पे आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाकी अपने बंदों को बुलाया जा रहा है, सौरभ भाई बुला रहे हैं। देखो 1 किलोमीटर के लमसम हम दूर खड़े हैं उनसे। एक ये पहचान बतानी पड़ती है, वृंदावन धामा है, फ्लाईओवर के बाद में खड़े हैं, फ्लाईओवर है। और बाकी जो आगे होता है वो आगे दिखाते हैं। तो बोले सभी अपने चाय वगैरह पी रहे हैं और ताकि नींद वगैरह खुली रहे और चलेंगे अपने बाद में। बाकी वहाँ तक धामा है, सब भीड़ लग रही है, आपको साफ बना दीजिए रात में। तो मेरे साथ बने रहे, मैं आगे का सब दिखाऊँगा आपको। चलो रहे बस एक बार दर पर पहुँच जाए भगवान के, बाबा की भी सभी दिखाएंगे क्या वहाँ का हाल है क्या नहीं है। तो कांवड़ियाँ सभी लाइक करें, जो जो कांवड़ लाते हैं जाते हैं, हो सकता है आप सभी लोग इसमें दिखो। तो बस करते रहो। एक बीजेपी की सरकार में ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी लाइट चल रही है, और अपने चल रहे एक्सप्रेसवे पे आप देख सकते हो हवा चल रही है। मैं फिर भी आपसे बातें कर रहा हूँ, पर आप देखो फुल लाइट चली हुई है, कोई गड्ढा नहीं, कोई कुछ नहीं। आप एकदम क्या ही बताऊं मैं, कितनी बढ़िया लग रहा है इस समय जाने में। कोई गड्ढा नहीं, कोई कुछ नहीं, एक तरफ ये अपनी हरियाली देख सकते हो। और रोडों पे लाइट देखो आप, कितनी बढ़िया चल रही है। कुछ कांवड़ियों अपने साथ जा रहे हैं, ये आगे आगे चल रहे हैं, कुछ अपने पीछे है। पर एक जगह हमने पॉइंट बनाया जहाँ पे हम रुकेंगे, तो आपको बाद में दिखाएंगे। ये देखो लाइट और बज रहे हैं रात के 3, और हम लोग बाइक चला रहे हैं बढ़िया। चलो तो आगे दिखाते हैं आपको। बाइक कुछ नहीं है, पूरा होने
रात के 4:30 बज रहे हैं और सोया नहीं हूँ। गाड़ी अभी मैं चला रहा हूँ, गाड़ी की चाबी दे दी। पता नहीं ये भोले का जाना कहाँ है। ये रास्ता इधर भी जा रहा है, ये भी हरिद्वार जा रहा है। अंदर अंदर कहाँ से निकले कुछ नहीं पता। भीड़ आ रही है बहुत तेज और गाड़ी आराम आराम से चला रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। भोले मेरे चाय पीते हैं, चाय बनवाई है। बाकी सारे बंदे तो कहीं बिछड़ गए। मोहित भाई चाय बनवा रहे, चाय पियेंगे पहले दूर करेंगे उसके बाद निकलेंगे। कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे। तो बोले अपने 7 बज चुके हैं और रोड पे रोला देख लो कितने मेरे कितने लोग चल रहे हैं। और भाई चीज इतनी तेज आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। बस चल रहे हैं और सोच रहे हैं होटल मिले तो वहाँ जाकर सोएंगे, फिर नहाएंगे, डुबकी वगैरह सब करेंगे। बोले इतने बोले जा रहे हैं पीछे देख सकते हो। बाकी अपने साथ के दो भाई खड़े हैं और लोग पीछे रह गए तो उनका इंतजार कर रहे हैं, आने देते हैं उन्हें। बाकी आप नज़ारे देखो, बहुत मज़ा आ रहा है। रात से ड्राइविंग कर रहे हैं, शाम रात 8 बजे से स्टॉप लेते लेते आए हैं। अभी लग रही है नींद और चाय वगैरह पी के फिर दोबारा आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हरिद्वार रह गया 40 किलोमीटर। आगे जाम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। बाकी अपना तो 1 घंटे का सफ़र दिखा रहा है, 2-3 घंटे मान के चलते हैं। चलो बादल देखो कितना बढ़िया हो रहा है। और पता नहीं हम कहाँ बैठे हुए हैं, जाम में से कहाँ कहाँ गली गली कहाँ कहाँ निकाल गए हैं। बस हमें सामने एक बाइक दिख रही थी, उस बाइक के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ इस चौराहे पर निकले, पता नहीं इसका नाम है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसका नाम है लंगटर रोड, लड़ोरा लड़ोरा। कौन सी जगह है मालूम नहीं मेरे को, कौन सी जगह ये सब कुछ पता नहीं। बस ये कुछ दिख रहे हैं, ये रोड है देख सकते हो। और बोले आप वहाँ देख सकते हो रोडों पे पानी आ चुका है, खेतों में पानी आ रहा है। बोले इसी में से अपनी आशा को पूरा कर रहे हैं, बस हरिद्वार पहुँचना है। अपनी नैया पार लगा रहे हैं बाइक से। बाहर देख सकते हो, जाम देख सकते हो, सब दिख रहा है। बस बोले चलता रहे अपना। कुछ लोग भाई ऐसे मिल जाते हैं मदद करने वाले, जो बोले अब जाम खुलवाते हैं। भाइयों पीछे बाढ़ आ रखी है और पूरा बाढ़ में अभी एक तरीके से तैरते हुए आए। गाड़ी अपनी बाहर देख सकते हो, रोड है, रोड में भी खड़े हैं। पीछे पानी भरा हुआ था, गाड़ी अपनी इधर उधर चली थी। चले बस होटल देखेंगे और सोएंगे। पहली बार जिंदगी में बाढ़ देखी है, 35 साल की उम्र में पहली बार बाढ़ देखी है। तो भाइयों दोपहर के बज चुके हैं 12 और होटल वगैरह कुछ मिल नहीं रहा। एक फ्लावर के नीचे खड़ा फ्लावर है, बाढ़ की वजह से सब डाइवर्सन हो रखा है, इधर जाओ उधर जाओ। पिछले 2-3 घंटे से घूम रहे हैं बस। बाकी देखो आगे क्या होता है, जैसा होगा अपडेट जरूर करेंगे। पर भोले की नगरी में आके थकान महसूस नहीं हो रही है। आँखें बेशक दबी दबी हैं पर
सब एकदम बढ़िया चल रहा है। तुम्हारी ये अपना रूम होटल बेड लग रहा है एसी और ये तेजी अटेगी चल रही थी पीछे घर पे तो ऐसे करते मिलते नहीं यहाँ ऐसे करते हैं रुक जाओ खींचता हूँ पहले वीडियो बना पहले ऐसे बना लो नाओ चालू है नाते क्यों ना दोबारा पीछे से मेरे ऊपर ही कूद ले किसी की कॉलिंग आ रही है भाई 34-47 है एंड में 34-47 बोले तू भी नहा ले थोड़ा बहुत खड़ा है यहाँ मत बोले जंप सारे आ चुके हैं ये अपना पहुंची भाई ये देखो इसे देखो देख रहे हो सौरभ भाई बाकी अपने दो बंदे और